नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, रीट अभ्यर्थियों के लिए आज की जरूरी सूचना। निदेशालय बीकानेर अब जल्दी फार्म भरने की तैयारी करवा रहा है। रीट गड़बड़ी का एक और मामला सामने आया है, लगातार रीट गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं और सीबीआई जांच को लेकर जो बड़ी अपडेट है वो भी हम आपको बताएंगे कि सरकार क्या चाह रही है। इसके बाद मैं आपको सबसे पहले बात करूँगा संडे सिटी बीकानेर नकल गिरो बात पकड़ा गया है दोस्तों, और तीन दिन में सेंटर इंचार्ज व मीडिएटर सहित गैंग के चार लोग गिरफ्तार हो गए। बड़ी बरामदगी होने की उम्मीद है। नकल गैंग की हिम्मत देखिए दोस्तों, सेंटर पर एएससीएच चार शिक्षकों का सुरक्षा घेरा, फिर भी पेपर लीक करने की तैयारी में था इंचार्ज। जयपुर प्लेट में पकड़ा गया है तुलसाराम कलेर, इनकी जो आरपीएस पत्नी से ये कॉन्टेक्ट है, इसके बारे में आप देख सकते हो पूरी अपडेट। और ये तीन किरदार और है। इसके अलावा गड़बड़ी में एक और बड़ा सामना आया, माध्यमिक बोर्ड ने रीट 2021 के पेपर में चार प्रश्नों में किए गलतियां। गड़बड़ी 2018-2021 में एक ही प्रश्न पूछा, लेकिन आंसर की में दोनों के उत्तर अलग अलग, ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा। और रीट के जिले की चॉइस और सब्जेक्ट पहले बनाने की सरकार तैयारी कर रही है ताकि पद खाली नहीं रह सके, ये भी आज की ये बड़ी अपडेट है। ये सरकार पहले ही तैयारी कर रही है बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से रीट होने के बाद 31,000 पदों पर जो विज्ञप्ति निकलेगी। इसके अलावा आप ये देख सकते हो 2018 का जो आदेश लागू हुआ, अगर शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं 1,00,000 बीएड अभ्यर्थी। इसमें के अलावा चप्पल में ब्लूटूथ लगाकर नकल कराने वाला तुलसाराम गिरफ्तार, पत्नी अजमेर में आरपीएस है। इसके अलावा ये आप देख सकते हो मास्टरमाइंड तुलसाराम काले देता रहा चकमा आधा राजस्थान घुमाया। इसके अलावा रीट परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी कर सकते के आवेदन, 31,000 की जो भर्ती आएगी उसमें सभी व्यक्ति अपने डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके फार्म भर सकते हैं। उसके बाद कट ऑफ जारी होगी, राजस्थान में होगी 31,000 पदों पर भर्ती, ये बड़ी अपडेट। 10% एकेडमी इंडेक्स से जुड़ेंगे डायरेक्ट, उसके बाद में इसकी मेरिट बनेगी। इसके अलावा रीट परीक्षा का सरगना ये भी दे सकते हो और बड़ी अपडेट। इसके अलावा 614 सरकारी स्कूलों को किया गया कर्मोन्नत, इसलिए पद बढ़ाने की लगातार मांग हो रही है। और जो पेपर आउट हुआ है एसओजी भी कह चुकी है तो उस सरकार को पद भी बढ़ाने चाहिए। इसके अलावा ये आप देख सकते हो रीट 2021 श्रेणी विषय सुधार, कल से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने रीट 2021 के अभ्यर्थी को श्रेणी और विषय संबंधित त्रुटियों को सुधारने के लिए मौका दिया है। अभ्यर्थी सोमवार से संशोधन कर सकेंगे। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जावली ने बताया कि किसी भी अभ्यर्थी के श्रेणी विषय संबंधी शिकायत हो, वे जिन्होंने पहले आवेदन किया है ऐसे सभी अभ्यर्थी 8 से 13 नवंबर तक रीट वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा उपेंद्र जी यादव भी लगातार रीट को लेकर कमेंट कर रहे हैं, धरने पर भी बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच को लेकर रीट 2021 में लगातार अभ्यर्थी पद बढ़ाने के लिए मैसेज कर रहे हैं, राज्य सरकार जल्द से जल्द भजन लाल को पकड़े और जिन जिन के पास रीट का पेपर गया है उनको रीट भर्ती से बाहर करे, जिससे अन्य बेरोजगारों को मौका मिल सके। और राज्य सरकार अब एक और नई रीट भर्ती निकालने का दावा कर रही है। इसको लेकर 7 नवंबर 9:36 का बड़ा, और सीबीआई के बारे में इन्होंने कह दिया है कि सीबीआई के डर से केवल 36 दिन में रीट का रिजल्ट परिणाम निकाल दिया है। अब सबको पता है कि राज्य सरकार सीबीआई को जांच नहीं देगी, लेकिन कम से कम भजनलाल को तो पकड़ कर पेपर लेने वालों को बाहर करो, जिससे अन्य बेरोजगारों को मौका मिले। सरकार युवाओं को विश्वास खो रही है, जिसके परिणाम गंभीर होंगे। और इन्होंने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी है और परिणाम पर भी इन्होंने आरोप लगाया है। तो दोस्तों, इस प्रकार की ये बड़ी अपडेट है। अब आपका क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखें। जल्दी नई अपडेट की फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।